नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन कमोडिटी बाजार के कारोबारी सप्ताह के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है। रूपा जी, खाद्य तेलों में क्या लग रहा है? हमने सरकार के भी एक्शंस देख लिए खाद्य तेलों पर। सरकार भी चाहती है कि खाद्य तेलों के जो प्राइसेस हैं जनता को कम मिले। उधर हमने बीते कारोबारी सप्ताह के अंत में देखा था कि कुछ खाद्य तेलों के जो दाम हैं उनमें नरमी भी आई थी, 10 से 15 रुपए लीटर सस्ते हुए थे। तो अब आपको क्या लग रहा है, खाद्य तेलों में अब कैसा रुझान रहेगा? क्योंकि पहले जब इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया तब पाम तेल पर, तब ये खबरें थी कि इंडोनेशिया फिर से खोलेगा एक्सपोर्ट बैन, और इंडोनेशिया ने खोला भी, और वहाँ से जो खेप बेची गई थी वो कहा गया था कि जून के मध्य तक आ जाएगी। तो रूपा जी, हम लगभग जून के मिड को पार भी कर चुके हैं, तो क्या लगता है जो खेप आएगी क्या उससे अब कुछ यहाँ पे प्राइसेस में नरमी देखने को मिलेगी एडिबल ऑयल में? देखिए, अभी फिलहाल विदेशों में जो मंदी देखने को मिल रही है उसके चलते दुनिया भर के तेलों में हम गिरावट देख रहे हैं कि सभी कॉमोडिटीज के अंदर, इनफैक्ट बिनोला हो, सीपीओ हो, पामोलिन, सरसों, सोयाबीन, सब में लगातार प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से इंडोनेशिया ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी एक्सपोर्ट, उसके बाद से लगातार जो है हम प्राइसेस को कम होते हुए देख रहे हैं, और अभी लग रहा है कि प्राइसेस जो है आगे भी दबाव में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इंपोर्टर्स को अभी फिलहाल काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अभी बंदरगाहों पर भी हम देख रहे हैं कि पोर्ट के ऊपर भारी मात्रा में काफी लाखों टन जो है सोयाबीन, डिगम और सीपीओ का आयात किया गया है, और काफी मतलब स्थितियां जो है अभी बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते यही है कि कीमतों के अंदर प्रेशर बना रह सकता है। सरसों की अगर बात करें तो सरसों में भी लगातार दबाव बनने को बनता हुआ दिखाई दिया है। सरसों दाने के अंदर गिरावट आती हुई नजर आई है, और मुझे लगता है कि ये कॉन्टिन्यूशन में फिलहाल मार्केट में बनी रह सकती है, और सोयाबीन के भाव भी गिरे हैं अभी फिलहाल में, तो अभी एडिबल ऑयल पैक जो है थोड़ा सा प्रेशर में बना रह सकता है। जी रूपा जी, सोयाबीन में क्या लग रहा है? आज तो देख रही कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सोयाबीन डाउन है, और ओवरऑल देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से खबरें आ रही हैं कि ओवरऑल ग्लोबली ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन है इस बार बढ़ने की उम्मीद है, तो ऐसे में क्या लग रहा है क्या सोयाबीन आगे अच्छा मुनाफा दे पाएगी? देखिए, आगे तो एक्सपेक्टेड तो है कि थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो उठ सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में सीमित दायरा और एक रेंज बाउंड डाउनसाइड बना रह सकता है। आगे फ्यूचर कैसा रहेगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्रॉप कैसी रहती है, लेकिन हाँ ये अभी तय है कि इन लेवल्स के ऊपर डिमांड बहुत ज्यादा अभी पिकअप नहीं हो रहा है, मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और सोयाबीन की किल्लत जरूर देखने को मिल रही है, ना केवल डोमेस्टिक लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि सप्लाई जो है वो काफी डिस्टर्ब है, और आगे चलकर इसमें एक्सपेक्टेड है कि एक तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं कि थोड़ा और करेक्ट हुआ है, ग्वार सीड की कीमतें 5500 तक नीचे में देखने को मिल चुकी है, वहीं ग्वार गम भी नीचे में 10300 तक के लेवल्स दिखा चुका है। रूपा जी, ये क्या संकेत दे रहा है, अब ग्वार में आगे कैसा कारोबार रहेगा? देखिए, अभी संकेत तो यही है कि जिस तरीके से हमने ऊपरी स्तरों से क्रूड को फिसलते हुए देखा है, और अब ग्वार भी उसी राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है, और पीछे से भी हम देख रहे हैं कि ग्वार के अंदर एक प्रेशर जो है वो जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगातार प्राइसेस इसी स्तरों से फिसले हैं। गम जो है अभी मुझे लगता है कि अगर आज हो सकता है कि 10,000 तक नीचे लुढ़क जाए, और अगर 10,000 टूट जाता है तो वापसी से ग्वार का भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा और प्रेशर में मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा, और ग्वार ठीक फिलहाल के लिए 5400 तक नीचे आते हुए दिखाई देता है। जी रूपा जी, मसालों में क्या लग रहा है? मसालों में तो देख रहे हैं कि आज भी कारोबार ऐसी सुस्ती के साथ ही देखने को मिल रहा है, तो क्या अभी मसालों में कुछ तेजी बाकी है, या फिर जो मसालों की जो तेजी बननी थी ये मैक्सिमम तेजी है? देखिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि मसालों में एक महीने तक, ये 15 दिन से लेके एक महीना जो है प्रेशर वाला रह सकता है, और आगे चलकर डिमांड पिकअप हो सकती है, और फिलहाल के लिए प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं सभी मसाले, और ये अभी थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म गिरावट है, वही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी निचले स्तरों पर बाइंग का होना चाहिए। अभी अगर बात करें हल्दी की तो नीचे में देखिए 7800 के आसपास सपोर्ट है, और आज मुझे लगता है कि वो सपोर्ट ले सकता है मार्केट, अदरवाइज यहाँ से फिसला तो 7700 तक डाउनसाइड जुलाई वायदा में बन सकता है। वही जीरे की बात करें तो 20200 तक की गिरावट जीरा दिखा सकता है, जबकि धनिया 10800 तक नीचे लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। जी रूपा जी, बिनौला खल में क्या लग रहा है? देख रहे हैं कि बिनौला खल फिर से यहाँ पे करेक्ट हुआ है, जून वायदा 2760 पर है, जुलाई वायदा भी 2760 पर है। रूपा जी, देख रहे हैं कि सारे के सारे वायदा यहाँ पे करेक्ट हो रखे हैं कॉटन सीड ऑयल के
आपको क्या लग रहा है इंट्राडे में कैसे रुझान रहेगा? देखिए पहले भी मैंने बताया था कि बिनौला कल जो है वो 2700 तक नीचे लुढ़क सकता है और आप देखिए वो लेवल जो है अभी आज या कल में हो सकता है कि अचीवेबल हो और उसके बाद अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है शॉर्ट टर्म रिकवरी, अदरवाइज नीचे में 2600 तक की भी गिरावट बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी M6 कॉटन में क्या लग रहा है? M6 कॉटन में देख रहे हैं कि 47,000-48,000 की ओर जाते जाते M6 कॉटन फिर से यहाँ पे करेक्शन मोड में चली गई है, 46,000-45,000 के लेवल्स फिर से दिखा रही है, तो ये क्या संकेत दे रही है? क्या अभी M6 कॉटन ऐसे ही एक रेंज में देखने को मिलती रहेगी? देखिए इससे जो है एक्सपेक्टेड है कि अब कॉटन में बिकवाली जो है हावी हो सकती है, यहाँ पर सस्टेन करता है अगर मार्केट तो प्रेशर में ही रहेगा और मुझे लगता है कि नीचे में एक बार 44,000 से लेकर 42,000 की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है, इनफैक्ट 40,000 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म होरिजन लेकर चले तो मुझे लगता है कि यहाँ से प्रेशर कॉन्टिन्यूशन में रह सकता है, तो यहाँ पर बिकवाली की तरफ अपनी पोजिशन बनाकर चला जा सकता है। जी रूबा जी एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप? देखिए आज तो सभी मार्केट जो है वो प्रेशर में है और ये प्रेशर इंटैक्ट रह सकता है और मुझे लगता है बिनौला खला 2700 तक का स्तर छू सकता है, तो बिनौला खल में करंट लेवल पर भी 50-60 रुपए की करेक्शन के लिए बिकवाली किया जा सकता है और ऊपर में थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस रहेगा 2580 का और उसके लिए नीचे में 2680 तक के टारगेट के लिए इसमें सेलिंग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज सोमवार के दिन कम्युनिटी बाजार के कारोबारी सप्ताह के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और कैसा ट्रेड करता नजर आ सकता है आज। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट MCV पर।